हेलो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मटर मशरूम की सब्जी, जिसके लिए मैंने मशरूम एक पैकेट लिया है, जिसको मैंने 5 मिनट के लिए कुकर में एक सीटी में उबाल लिया है, और मटर लिया है। इसके लिए 2 टमाटर, 3 प्याज, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची, और ये साबुत गरम मसाले। अब स्टार्ट करते हैं। पहले कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं बटर डालूंगी। पहले मशरूम भूनूंगी, बटर पिघलने, ये मेरा बटर है पिघल चुका। अब इसमें मशरूम डालेंगे। मशरूम डाल के अच्छी तरह इसको थोड़ा भून लूंगी। तो हल्का आंच पे थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा तेज आंच नहीं करेंगे। इसको 5 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसको निकाल लेंगे हम। यह भून चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं सरसों का तेल लूंगी। ये मैंने 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। अब इसमें ये साबुत गरम मसाला, ऐसा जीरा भी इसको डाल के भून लेंगे। अब ये साबुत मसाले भून चुके हैं, अब इसमें मैं लहसुन और अदरक डाल के हल्का भून लूंगी। मैं लहसुन पहले भूनती हूँ इसलिए कि ताकि इसका कच्चापन आ जाए। ये हो चुका है, अब इसमें प्याज डालूंगी। ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं, और हर साथ में हरी मिर्ची, 4 हरी मिर्ची ली है। टमाटर को बाद में डालेंगे। ये जब तक भूनेंगे बिल्कुल जब लाल ना हो जाए। अब ये भून चुका है, इसमें मैं 2-4 काजू के टुकड़े डाल दूंगी, इसको भी भून लूंगी। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर थोड़ा गल जाए उसके बाद तक इसको भूनेंगे। मसाला भून चुका है, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। ठंडा हो जाएगा तब इसको मिक्सी में पीसेंगे। अब ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए, अब हमारा पीस चुका है। अब मैं गैस ऑन कर, ये मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं बटर डालूंगी। ये बटर हमारा पिघल चुका है, अब जो मसाले मैंने पीसे थे अब इसमें वो डाल देंगे। ये भुना हुआ मसाला है तो ज़्यादा ये टाइम नहीं लगेगा इसको बनने में। अब इसको मिलाएंगे। अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। अब ये मसाले डालेंगे हम। इसमें मैं ये धनिया पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर, जितना तीखा खाते हैं उसी हिसाब से डालिएगा, और ये 1 चम्मच हल्दी पाउडर। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, नमक और गरम मसाला बाद में डालूंगी। इसको भून लेते हैं जब तक, थोड़ा सा गैस तेज कर देती हूँ। अब ये मसाला मेरा भून चुका है, अब इसमें मैं क्रीम डालूंगी थोड़ा, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, और बाकी थोड़ा सा मैं बाद में डालने के लिए रखा है मैंने। इसको डाल के थोड़ा सा भी भून लेंगे। अब इसमें मशरूम और मटर दोनों एक साथ ही डाल देंगे, डाल के इसको मिलाएंगे पहले। अब इसको ढक के थोड़ी देर पकने देंगे।
अभी ये मेरा थोड़ा पक चुका है, देखिए अब इसमें मैं नमक और गरम मसाला डालूंगी। ये 1 चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा और इस स्वाद अनुसार नमक, और इसको चला लेंगे अच्छी तरह। अगर आपको सूखा रखना है, इतना ही रखना है, तो आप ऐसे रख सकते हैं। मुझे सूखा इतना नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा पानी डालूंगी। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ढककर पकने देंगे। हमारा हो चुका है, अब इसमें बस मुझे इतना ही पे उतारना है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी, थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी। और ये जो क्रीम मैंने बचा के रखी थी उसको डाल दूंगी। और ये हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। मुझे बस इतना ही पे उतारना है। आपको अगर और ज़्यादा है तो आप और पानी ये कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। मुझे बस इतने ही पे उतारना है, इसलिए मैं आप गैस बंद कर रही हूँ। ये मेरा मसूर मटर की सब्ज़ी अब तैयार हो चुकी है, ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब ये मेरा हो चुका है, अब इसको सर्व करते हैं। अब ये मेरा बॉल में डाल चुके, अब इसमें 1 धनिया पत्ता लेके इसको सजा दे। ये मेरा मटर मशरूम की सब्जी तैयार है। आप इसे चावल से खाएं या रोटी से खाएं, जिससे भी चाहे आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।